गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पैथन के ट्यूटोरियल क्लास में आगे को बढ़ते हैं। आज बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स अक्सर करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं सेव करके रखता हूं। टॉपिक तो हम लोग आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम ऐसे बीच बीच में आप लोगों को पुराने क्वेश्चन के आंसर भी देते रहेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को इस बात से लेकर कन्फ्यूज़न रहा है बहुत दिनों से कि सर ये डीप कॉपी और ये सैलो कॉपी क्या होता है, या मेमोरी का कंसेप्ट क्या होता है, मेमोरी में कैसे डुप्लीकेट वैल्यू रहने पे उनको जगह एलोकेट होती है नहीं होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बात को लेकर स्टूडेंट को कई कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आज हम लोग इस पैथन के, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, चलो कंटिन्यू जुड़ जाइए भाई। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आया है इस बात को लेकर, बहुत ही डाउट बना रहता है स्टूडेंट्स को, सर म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल इम्यूटेबल, चेंजेबल अनचेंजेबल, या फिर सर क्या होता है डीप कॉपी एंड सैलो कॉपी। आज हम इस वीडियोस में आज ये बात बिल्कुल क्लियर कर देने वाले हैं कि आपका ये डाउट बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा आपके इस लेक्चर से। गुड मॉर्निंग शिवानी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चले भाई, चले स्टूडेंट्स, एवरीबडी विल बी प्रिपेयर्ड, दिस इज द योर क्वेश्चन, दिस इज द योर डाउटेबल क्वेश्चन, दिस इज द टोटली क्लास ऑफ टूडे इज बेस्ड ऑन डाउटेबल क्वेश्चन सॉल्विंग। आज संडे है जैसे आपको सबको पता है, तो संडे को आज डाउटेबल क्लास, जो भी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं जिस क्वेश्चन पे, याद रखें ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उसी को डाउटेबल क्वेश्चन में पहले प्रेफरेंस मिलता है। तो डाउटेबल क्वेश्चन ऐसा नहीं कि दिस इज द फर्स्ट डाउटेबल क्वेश्चन प्रॉम्प्ट बाय मी, आपके द्वारा पहला क्वेश्चन डाउटेबल है। डाउटेबल क्वेश्चन अर्चिता जी बहुत हैं बेटे, लेकिन आपने जो कुछ डाउटेबल क्वेश्चन डाले हैं वो लिस्ट में पीछे हैं, मैं उनको पहले प्रायोरिटी दिया हूँ, जो ज़्यादातर वही क्वेश्चन बार बार आए हैं। तो ये टॉप लेवल पे रहा है आपका ये क्वेश्चन और कई दिनों से लग आ रहा है, तो हम अगले संडे को फिर डाउटेबल क्वेश्चन की क्लास लेके आएंगे। तो मैं आज क्लियर कर दूँ सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जया जी, गुड मॉर्निंग खुशी जी, गुड मॉर्निंग शिवानी जी, शालिनी जी, एवरीबडी प्लीज़ कम हियर एंड ज्वाइन द क्लास। स्टार्ट करें भाई, आज की क्लास है सर म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या कंसेप्ट है। मैं जानना चाहूँगा आप स्टूडेंट से बताएं क्या होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कंसेप्ट, जरा बताएं स्टूडेंट सोच के। कोई जवाब नहीं, बड़े दिन बाद आप कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम नो एनी आंसर गिवन बाय स्टूडेंट्स, पहली बार क्लास में सन्नाटा छाया हुआ, कोई भी जवाब नहीं आया, गलत सही भी, तो बिल्कुल सही डाउटेबल क्वेश्चन में हम लोग फिल्टर किए हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट फिर आप लोगों के लिए जानने के लिए भाई, क्योंकि इससे पहले एक जोरदार आवाज़ हुआ करती थी, क्वेश्चन पूछते नहीं आपका आंसर आ जाता है। बहुत सारे बच्चों को तो कन्फ्यूजन रहती, क्वेश्चन पूछा नहीं सर आंसर कैसे कोई दे दिया, तो आपका शार्पनेस माइंड है, आपकी रेगुलरिटी स्टडी है, तो वो आपकी अच्छाई है। आज तो बिल्कुल जवाब नहीं आया, इसलिए ये बहुत ही डाउटेबल क्वेश्चन और मेरे लिए सबसे बड़ा डाउटेबल है कि स्टूडेंट को कैसे नहीं समझ में आया ये बात। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन। हमने प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन कर रखा है, टाइम आपका सेव रहे भाई। पहले तो बेटा अपना दिमाग नहीं लगा के केवल मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं टॉपिक को आपको हाईलाइटेड करने चल रहा हूँ, देख लें अगर स्क्रीन, चलिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहले तो देखिए हमने क्या लिखा है, कमेंट में ध्यान रखिए स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट हो गई है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए लिखा गया फर्स्टली डिस्कस अबाउट म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट टाइप। सर सबसे पहले तो आप ये डिस्कस कर लीजिए म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते कौन से हैं। म्यूटेबल का मीनिंग बेटा होता है चेंजेबल, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू बाद में बदली जा सके उसे म्यूटेबल कहते हैं। मैं एक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूं, म्यूटेबल चेंजेबल का मतलब क्या होता है, यदि आपने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मेमोरी में जगह लोकेट हो गई, तो आप नेक्स्ट टाइम पर अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो, तो अगर वह म्यूटेबल टाइप का होगा तो वो जगह नहीं बना, नया नया जगह नहीं बनाएगा, उसी पर वैल्यू चेंज कर लेगा, मतलब उसका एड्रेस मेमोरी लोकेशन सेम रहेगा, वैल्यू चेंज हो कर रखा सकता है। लेकिन इम्यूटेबल का मतलब होता है वो आपने एक बार अगर जगह बना लिया तो उसका जगह पर आपने वैल्यू अगर दूसरा बदलोगे तो वो जगह यूजेबल आपके लिए नहीं होगी, मतलब नई जगह का क्रिएशन होगा, मेमोरी नया जगह एलोकेट करेगा। तो सर जो रिलीज ऑफ द मेमोरी एलोकेशन है, जो आपको आपने मुक्त कर दिया जिसको, वो मेमोरी में जगह कंज्यूम किया होगा,
उसका क्या सलूशन, उसको कैसे इरेज करें? तो बेटा आपको इरेज नहीं करना होता है, इट इज़ ऑटोमेटिकली रिमूव्ड बाई द पैथन मैनेजर, और ये पैथन मैनेजर काम होता है, और इसी को हम तो गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। गार्बेज कलेक्टर एक फीचर होता है ना पैथन में, गार्बेज कलेक्टर का मतलब ये होता है यदि आपने एक जगह बनाया और वो अनयूजेबल हो गई तो जैसे उसका एड्रेस कोई नहीं रखता है उस प्लेस को ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर नाम का प्रोग्राम आके उसको क्या करता है, हटा देता है, साफ कर देता है। चलिए यहाँ इस लाइन को जरा देखिए, आप क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को, क्या क्लियर दिखाई देगा? इम्यूटेबल, ध्यान से पढ़िए, इम्यूटेबल टाइप कौन कौन से हैं? ऐसे डाटा टाइप्स, मतलब ऐसे क्लास के बने हुए ऑब्जेक्ट जब एक बार बन जाएंगे और उनकी वैल्यू आप अगर चेंज करोगे, बदलोगे, तो इनके लिए आपको अलग जगह ही बनाना पड़ेगा, वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते उसी प्लेस को, मतलब एड्रेस आपका चेंज होना ही होना है। जैसे इंट है, इंट ऑब्जेक्ट लोगे या फ्लोट ऑब्जेक्ट लोगे या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लोगे या टपल का ऑब्जेक्ट लोगे या कम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट लोगे या बुलियन का ऑब्जेक्ट लोगे या रेंज का ऑब्जेक्ट लोगे या सेट का ऑब्जेक्ट, यहाँ जो लिखा हुआ सेट को हटा दीजिए, और एक्सेट्रा हो सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी डाटा टाइप्स इन पैथन, शिवानी जी, शिवानी एंड कोमल जी, कितने प्रकार के डाटा टाइप होते हैं पैथन में? सही जवाब, 12 डाटा टाइप, बिल्कुल सही, 12 डाटा टाइप होते हैं। चले कोई बात, काउंट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए 12 टोटल होते हैं डाटा टाइप, अगर काउंट करोगे वन बाई वन। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 डाटा टाइप हैं, ठीक है जी। इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, कम्प्लेक्स, बुलियन, रेंज, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट बना, अगर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके लिए जो जगह एलोकेट एक बार हो जाएगी, और फिर से अगर आप उसकी वैल्यू चेंज करोगे तो याद रखना उस चेंज की गई वैल्यू वहां पर जाके कॉपी नहीं होगी, उसके लिए एक नया प्लेस बनेगा, याद रखना, ठीक। इसीलिए इसे इम्यूटेबल डाटा टाइप कहते हैं। म्यूटेबल किसे कहते हैं भाई? म्यूटेबल मतलब सर एक बार आपने जगह बना लिया हो और उस पर 5 रखा हो और नेक्स्ट में फ्यूचर मार्क उस पर 7 रखना चाहते हैं तो वहीं पर 7 हो जाए, नया मेमोरी लोकेशन ना करे। अगर ये कैपेसिटी और ये कैपेबिलिटी आपके डाटा टाइप में अवेलेबल है तो उसे म्यूटेबल डाटा टाइप कहते हैं, मतलब उसी जगह पर जाके वैल्यू प्लेस करने की जो सुविधा प्रोवाइड करे उसे म्यूटेबल। और वहीं प्लेस पर रहते हुए अगर आपको सुविधा ना प्रोवाइड करे, आपको नया प्लेस कह के ले लो, आप वहाँ रखिए, यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इम्यूटेबल। एक एग्जांपल देखिए, मैंने यहां पर 34 लिया, 34 क्या है? 34 इंटीजर क्लास का वैल्यू है, तो ए क्या है? इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है। आप यहां बी क्या है? बी एक आपका फ्लोट टाइप का, सॉरी ये भी इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है, आइए इसको चेंज कर लेते हैं, आप 3.4 कर लेते हैं, ये किस टाइप का हो जाएगा? ये फ्लोट टाइप का हो जाएगा। आप देखिए ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा। ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा? फ्लोट टाइप का होगा। आपको ज़रूरत हो तो इसी तरह से आप इस स्ट्रिंग, आप इसी तरह से क्या, आप इसी तरह से ये देखिए टपल, आप इसी तरह से कम्प्लेक्स, बुलियन, बुलियन माने ट्रू फॉल्स या रेंज, कुछ भी देंगे। कुल मिला के कहने का ये मतलब यदि एक बार आपने जगह को लोकेट कर लिया तो इसकी वैल्यू उसी प्लेस पर नहीं होगी, बदलेगी। चले कोई बात, हम ये नहीं बताना चाहते, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ यदि वैल्यू डुप्लीकेट हो जाए तो सर उसके लिए जगह आपकी नई बनेगी कि नहीं बनेगी। जरा देखिए, एज इक्वल टू 34 हुआ, 34 क्या हुआ? 34 आपके एक ही एरिया में जाके 34 के लिए जगह बनेगा, उसमें 34 पड़ जाएगा, और इस हीप एरिया का जो लोकेशन होगा, उसका जो एड्रेस होगा, उस एड्रेस को स्टैक में एक जगह बनेगा, वहाँ ए लिखा रहेगा, और वो क्या करेगा? ए इसको पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे फिर से आपने 24 रखा, तो इसके लिए आपको अलग लोकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीबीएम इसके लिए अलग जगह नहीं बनाएगा, आपका हीप एरिया एक ही रहेगा जहां 34 रखा रहेगा। हाँ, स्टैक में एक और आप वेरिएबल नेम या ऑब्जेक्ट नेम के लिए जगह मिल जाएगी बी नाम के लिए, और जो ए एड्रेस को होल्ड किया था, जो 34 रखा हुआ था, 34 रखा हुआ था हीप एरिया का, वही एड्रेस बी को भी पकड़ा दिया जाएगा। क्यों पकड़ा दिया जाएगा? क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है, चाहे ए प्रिंट में ए डालोगे तब भी उसको देख रहा है वही निकलेगा, और कोई बी करेगा तब भी वही निकलेगा। अच्छा ये समझिए, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ या यहाँ देखिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ सभी स्टूडेंट के लिए, तो व्हाइट ये मेरा स्क्रीन एक ही है,
और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यू। तो देखिए क्यू सबको दिखाई देगा, ऐसा नहीं हम कि शिवानी आपको दिखाई दे रहा है, कोमल को नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी आँखें इसी को तो देख रही हैं, इसी स्क्रीन को, सबका एड्रेस तो यही है। और कल के दिन आपके आप इसमें कुछ फेर बदल कर दें तो आपको केवल दिखेगा कि सबको दिखेगा? बिल्कुल जी सबको दिखेगा, जिसके जिसके आँखों में एड्रेस इसका होगा, जो इसको देख रहे होंगे वो केवल उनको सबको चेंजेस दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि शिवानी को चेंजेस दिखाई देगा, उनको चेंजेस नहीं दिखाई देगा, अगले को देगा, ऐसा नहीं। ठीक, क्योंकि एक ही प्लेस है तो इनके एक ही प्लेस पड़ा रहेगा। तो आए ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए, पहले समझ लीजिए, आउटपुट बाद में दिखाएंगे। हम प्रिंट कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए, अगर आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए की प्रिंट होगी बेटा तो ये मैसेज सामने क्या लिखा मिलेगा, 34। ठीक है, अगला द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी, बी का भी एक्चुअल वैल्यू क्या मिलेगा, वही मिलेगा 34। दोनों की सेम वैल्यू होने के कारण जगह इनको एक ही मिली है। कहाँ पर जगह एक मिली है बेटा, हीप में कि स्टैक में? देवेश जी स्टैक तो वेरिएबल के लिए होता ही है, स्टैक में ए बी दोनों के लिए जगह मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू वहाँ नहीं रहती, वैल्यू हीप में रहती। सर जगह हीप में एक मिला हुआ है, वैल्यू दो मिले हुए हैं हीप। और अगर आप स्टैक की बात करें बेटा, देखो मोबाइल तो सबके हाथों में होगी अपनी अलग अलग, सौम्या जी आप अलग अपनी मोबाइल होगी, और देवेश जी आपके पास अलग होगा, रानू आपके अलग होगा, दिव्या अलग होगा, कीर्ति अलग होगा, जया अलग होगा। देखिए वेरिएबल तो अलग अलग हैं लेकिन देख तो सब इसी स्क्रीन को रहेंगे, हीप का एरिया है ये, क्या है, हीप है। और जिसके जिसके पास अपनी मोबाइल वो एरिया कौन सा है, स्टैक है। तो मोबाइल तो सब अलग अलग लिए हैं लेकिन वैल्यू जो देख रहे हैं एक ही जगह देख रहे हैं, जगह एक ही बनी हुई है, ये दो जगह नहीं बन चल रहा है आपका ये वीडियोस, ये जो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एक ही स्थान से कर रहे हैं आपको। ठीक है, गुड मॉर्निंग अरविंद जी, जल्दी आइए, लेट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप मिस कर दिए हैं। आज की क्लास 100% डाउटेबल क्लियरेंस क्लास होगी, आज के बाद इस क्वेश्चन का जवाब प्रत्येक स्टूडेंट के पास होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी, इस बात की गारंटी है जी। ठीक है, आते हैं फिर से हम लोग, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू छुप जाएगा, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू यहां पे छप जाएगी। ठीक, फिर आइए, द मेमोरी एड्रेस ऑफ वैल्यू ऑफ ए, ए का मेमोरी एड्रेस बता देगा, ए का एड्रेस, फिर आपका बी का एड्रेस बता देगा। ए और बी का एड्रेस अगर सेम मिला तो मेरी बताई हुई बातों को मानना है। नहीं जी, बिल्कुल सही कहा देवेश जी, जानना है, मानने के लिए दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे अंधविश्वास कहते हैं, किसी चीज़ पे आँख मूंद कर विश्वास करना। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको या आप ये मेमोरी जब आप देख रहे हैं ना, द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए और द मेमोरी एड्रेस ऑफ बी, अगर आपको सेम एड्रेस मिल जाए, क्योंकि जो आईडी दिखता है वो हीप का दिखाई देता है, स्टैक का आईडी नहीं दिखाई देता, एक्चुअली में जगह लोकेट हीप पे ही होता है। तो आईडी क्या करता है, आईडी एक प्रीडिफाइंड मेथड है जिसकी मदद से आपके हीप पे एरिया जो कंज्यूम किया गया है, वैल्यू के लिए यहाँ जगह बनाई जाती है, वेरिएबल के लिए जगह नहीं बनती है बेटा, वैल्यू के लिए जगह कंज्यूम की जाती है, जो वैल्यू के लिए जगह कंज्यूम की गई है उसका मेमोरी एड्रेस आईडी मेथड आपको आपके सामने प्रिंट कर देगा। यदि ये का दोनों का सेम हुआ तो इस बात के लिए प्रमाण मिल जाएगा कि यदि सेम वैल्यू होता है तो उसके लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन लोकेट नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए आगे फिर बढ़ते हैं, एक बार पूरा समझने के बाद एक बार आउटपुट देखेंगे। टाइप मेथड है जो किसी की जाति बता देता है, भैया जाति तो सेम ही होगी, आप देख ही रहे हैं, जाति तो वो भी इंट क्लास का है, वो भी इंट क्लास का, इसका भी आंसर देख लेंगे। ये क्या कहा जा रहा है भाई, कमेंट में आपको बताया जा रहा है, आफ्टर इडिट ऑफ द वैल्यू इम्यूटेबल इंटीजर ऑब्जेक्ट, आफ्टर इडिट माने बदलने के बाद ऑफ द वैल्यू किसकी, इम्यूटेबल डाटा टाइप है, मैं इसकी वैल्यू क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू बदल रहा हूँ, इसकी वैल्यू बी इक्वल टू क्या कर दिया मैं, 50 कर दिया, मतलब जो बी पे कभी 34 रहा करता था आज बी पे क्या है 50 हो गया। और जैसे ही 50 हो गया, देखिए दोनों सिमिलर तो है नहीं, 34 50, आपको बताया था मेमोरी किसके लिए एलोकेट की जाती है, वेरिएबल के लिए नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, बल्कि वैल्यू के लिए।
तो यहाँ 34 दोनों सेम वैल्यू थी, इसलिए एक ही मेमोरी लोकेट हुआ। आज क्या हुआ, बी ने बंटवारा कर लिया, आपने ऊपर क्या रख लिया 50 रख लिया, और जैसे 50 आपने रख लिया इसका मतलब कि वो जो एक प्लेस बना हुआ था कभी हमारे हीप एरिया पे, आज उसके लिए दो मेमोरी लोकेट बन गया है। एक तो 34 रखा हुआ है, दूसरे ब्लॉक में क्या रखा हुआ है 50 रखा हुआ है। तो सीधी बात है, 34 का अपना अलग एड्रेस होगा और मेमोरी एड्रेस होगा, और 50 के लिए अपना अलग मेमोरी एड्रेस होगा। और जब अलग अलग मेमोरी एड्रेस हैं तो एक आई मेमोरी एड्रेस 34 का होल्ड किया होगा, बी का आपने ऊपर 40 कर किया होगा। आप कुछ भी चेंजेस करेंगे याद रखना, इस पे ए पे परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि अलग अलग जगहों पे है, इम्यूटेबल है, एक स्थान पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो कॉपी तो अलग अलग प्लेस पे है ना सब। तो आप फिर यही चीज़ मैं जितना चीज़ मैं इसमें किया हूँ फिर से मैं बदलने की बात किया हूँ। अब आपको देखिएगा दोनों का एड्रेस बदल गया होगा, सॉरी वैल्यू दोनों को बदल गई होगी, दोनों का एड्रेस बदल गया होगा, टाइप तो भाई सेम ही रहेगा। आइए इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाते हैं। आपने रन किया, देखिए पहला आउटपुट आपके सामने आ गया भाई, ये रहा आपका द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए 34। और फिर क्या, ये देखिए द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 34, दोनों सेम है। द मेमोरी एड्रेस वैल्यू ऑफ ए, लास्ट में देखिए 896 12 12, मतलब आप शुरू से लेके अंत तक मैच कर डालिए, दोनों का एड्रेस सेम है। शिवानी जी दोनों का एड्रेस सेम क्यों है बेटा, चूंकि वैल्यू के लिए जगह लोकेट करता है पीवीएम, दोनों की वैल्यू 34 दिखाई दे रही तो जगह दो थोड़ा बनेगा, उसके लिए एक ही जगह लोकेट करेगा पीवीएम हमारा। हाँ ए और बी जो जगह मिलेगा ये स्टैक में होंगे, स्टैक में एड्रेस इसका और इसका, दोनों ए और बी दोनों एड्रेस इनका एक ही का दोनों लोग होल्ड किए होंगे। तो जब आप डाटा टाइप आप वैल्यू चेक करेंगे, इनका भी इंट इनका भी इंट, लेकिन मैंने देखे मैंने बदलने के बाद एडिट करने के बाद द एक्चुअल वैल्यू अब 34 हो तो रहेगा ही, लेकिन एक्चुअल वैल्यू अब बी इक्वल टू क्या हो गया 50, क्यों, चूंकि हमने अभी आपको दिखाया नहीं था, हमने लास्ट में क्या किया था ये देखिए, हमने आके बी पे 50 कर दिया था, उसके बाद मैं प्रिंट कराया था, तो यहाँ बता रहा है द एक्चुअल वैल्यू अब बी, अब यहाँ 50 और पहले तो 34 वहाँ बताएगा ही बताएगा। चलिए आगे आइए, आईडी देखिए, चेक करिए आईडी, देखिए इसका आईडी क्या है 896 इसका 408, ठीक दोनों का आईडी अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग लोकेशन पे हो गए, मतलब सिमिलर वैल्यू के लिए तो जगह लोकेट सेम होगी लेकिन डिसिमिलर वैल्यू के लिए जगह लोकेट नहीं होगी, जाति भी एक रहेगा। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इम्यूटेबल डाटा टाइप में डीप और एक्चुअली में सीक्वेंस डाटा टाइप जो होते हैं ना, सीक्वेंस डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं, सीक्वेंस डाटा टाइप बेटा कौन कौन से होते हैं सोचकर बताइए जल्दी से, तो मैं कमेंट लिख रहा हूं, आप लोग पढ़ेंगे समझ भी जाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ डीप कॉपी एंड SHALLOW सैलो कॉपी हेयर नॉट हेयर नॉट क्या द कंसेप्ट ऑफ डीप कॉपी एंड सैलो कॉपी इज नॉट Arise BULT built in data type or fundamental data type, fundamental data type में या primary data type में, इनको हम लोग primary कहते हैं, int, char, float एंड सब में, इनमें किसी प्रकार का shallow copy और deep copy का concept नहीं होता है। ठीक, तो अभी तो हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल की बात कर रहे थे, अभी जो ऊपर बताया था, हम सैलो कॉपी डीप कॉपी का कंसेप्ट सीक्वेंस डाटा टाइप में जन्म होंगे दो शब्द का, तो हम लोग वहाँ यूज करेंगे, यहाँ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो बात ये थी, यदि दो वैल्यू सेम हो तो वेरिएबल सॉरी जो ऑब्जेक्ट होता है उनके लिए अलग अलग जगह लोकेट की जाती है, सेम की जाती है, तो ये रहा आपका ये कंसेप्ट। चलिए
अब हम एक दूसरा प्रोग्राम भी इसी में आपको समझाते हैं, इसी संबंधित है बेटा जो क्वेश्चन आए थे। अब टॉपिक जो है बिल्कुल फटाफट, उससे नहीं मतलब जो आपने समझ लिया अभी तक। हाँ थोड़ा सा लिंक जरूर है, देखिए जरा, अलाइजिंग एंड क्लोनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट। हम यहाँ लिस्ट की बात कर रहे हैं, स्पेशली लिस्ट की बात कर रहे हैं। आप लिस्ट की कहते हैं या किसी भी सीक्वेंस डाटा टाइप में भी ये बात लागू होती है, चूंकि सीक्वेंस डाटा टाइप में ही डीप कॉपी और सैलो कॉपी का कंसेप्ट अराइज होता है। अभी मैंने कुछ मिनट पहले अपने उस वीडियो में समझाया था, कोई डाउट? चले, अलाइजिंग एंड क्लोनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट। सर कैसे अलाइजिंग करते हैं लिस्ट को, मतलब एक लिस्ट बनी हुई है, मैं दूसरी लिस्ट बिना बनाए उसी पुरानी वाली लिस्ट से क्या कर दूं, नई लिस्ट बना दूं। मतलब जले हुए दीपक से मैं दूसरा दीपक जलाना हो तो दीपक के लिए मुझे किसी प्रकार की जरूरत ना पड़े, जले हुए दीपक से ही क्या कर दूं, बिना जले हुए दीपक को जला दूं, उसे हम लोग अलाइजिंग कहते हैं। एंड क्लोनिंग, और वही तो क्लोन हो जाएगा, जो उसमें था वही उसमें हो जाएगा, ये तो प्रकृति है ना भाई, क्लोन तो होगा ही, जिससे जो बनेगा उसका वो क्लोन रहेगा। चले आगे टॉपिक में, ये प्रिंट क्यों दिया सर आपने? केवल फॉर्मेटिंग के लिए दिया हूँ, आप सबको पता है न्यू लाइन इससे हो जाएगा, नई लाइन आपको एक जगह बन जाएगी, कोई मतलब नहीं इस बात का। तो आप इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे, जरा देखें जिसको मैं ये देखिए हैंडल किया हूँ। सर ये आपने रिपीटर ऑपरेटर किया, आपने कहा स्टिक, आपने कहा रिपीटर ऑपरेटर 100 टाइम, मतलब एक लाइन बन जाए, एक स्टार की लाइन छप जाए, फिर आपका ये कंटेंट छपे। फर्स्टली नीचे क्या लिखा हो भाई देखिए, फर्स्टली वी सीन व्हाट इज क्लोनिंग कंसेप्ट इन सीक्वेंस डाटा टाइप इज कॉल टू सैलो कॉपी। आइए हम पहले तो क्लोनिंग के बारे में बात करते हैं। सर क्लोनिंग क्या चीज़ होती है, और यहाँ क्लोनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलो कॉपी कहते हैं। सर सैलो कॉपी क्या होता है? सैलो कॉपी का मतलब ये होता है कि आप जो भी आप प्राइमरी वाले ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस करेंगे तो वो सेकेंडरी वाले में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या सेकेंडरी में आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो प्राइमरी में हो जाएगा। बिल्कुल सही कंसेप्ट आपने बताया रानू जी ने कहा, सर पेस्ट स्पेशल जो आपने बताया था उससे बिल्कुल मैचेबल ये बात बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा। पेस्ट स्पेशल भी तो यही है, पेस्ट स्पेशल में जब आप किसी चीज़ का पेस्ट करते हैं तो जो चीज़ परिवर्तन पहले करते हैं वो दूसरे पे हो जाता है। लेकिन बेटा याद रखना, पेस्ट स्पेशल में रानू जी एक प्रॉब्लम है, आप डिस्टिनेशन में कोई चेंजेस करेंगे तो लेकिन सोर्स नहीं दिख होगा, लेकिन यहाँ पे किसी में दोनों में कर दो बेटा, ठीक है? ये बेसिक डिफरेंट है। मैंने ये कहा शिवानी जी कि यदि आपने किया हो पेस्ट स्पेशल जो हम लोग यूज करते थे लिब्रा ऑफिस राइटर में, या आप यूज करते हैं अभी कैल्क प्रोग्राम चल रहा उसमें भी हमने बताया था पेस्ट स्पेशल, जो आप चेंजेस करेंगे सोर्स वाले पे वही होगा डिस्टिनेशन वाले पे। लेकिन उल्टा करने से, आप डिस्टिनेशन पे चेंज करें सोचे मेरा सोर्स पे चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है पेस्ट स्पेशल कंसेप्ट में, दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लेकिन दोनों तरह से वाइस वर्सा, चाहे आप सोर्स पे करो तो डिस्टिनेशन पे चेंज हो जाएगा, डिस्टिनेशन पे करो तो सोर्स पे चेंज हो जाएगा। मैं फिर से एक लाइन से सेपरेट कर रहा हूँ, मतलब ये जो लाइन रहेगी ये दोनों स्टार के अंदर रहेगी, यहाँ से कहानी शुरू होती है आपकी, देख लीजिए। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें 1 2 3 4 5 रिमूव मी, यहाँ मैंने क्या किया रिमूव मी, मतलब एक टेस्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, बाकी सब क्या है इंटीजर है। लिस्ट में सिमिलर डिसिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं, सब जानते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा दूसरी लाइन पे आते हैं हम लोग, आपने यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, एल वन पर जो वैल्यू है पूरी की पूरी डायरेक्ट उसपे कॉपी कर रहे हैं एल टू पे, इसी को हम लोग कहते हैं अलाइजिंग अ एल वन लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑन अनादर एल टू लिस्ट ऑब्जेक्ट इज सैलो कॉपी कंसेप्ट। यही तो कंसेप्ट सैलो कॉपी का है, यदि आप इक्वल टू सिंबल से असाइन करते हैं किसी सीक्वेंस डाटा टाइप को दूसरे वाले कॉपी पे, तो ये भी कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉपी तो कहलाता है, लेकिन ये कॉपी सैलो कॉपी का कंसेप्ट होता है, एक नया कंसेप्ट पैथन ने दिया, इसे कहते हैं सैलो कॉपी। और ये कंसेप्ट इसलिए हुआ है, जो आपने अभी पिछली वीडियोज में देखा, यदि सेम वैल्यू रहती है तो उसके लिए जगह ही नहीं बनता है। बेटा जब जगह ही नहीं बनेगा, एक ही जगह है, दो लोग देख रहे हैं, तो जो चेंजेस करोगे दोनों के लिए हो जाएगा, इसीलिए इसको सैलो कॉपी का नाम दिया गया है, कोई डाउट? चले अगली लाइन की बात करते हैं, अगली लाइन की बात करते हैं हम लोग। ये देखिए
प्रिंट दिस इज L1 एलिमेंट, पहले तो आपको L1 के एलिमेंट में प्रिंट कराऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5 रिमूव में छप जाएगा। ये प्रिंट मैंने खाली एक लाइन हॉच पॉच में होता है, दूर में आपको आउटपुट मिले, हमने कहा L2 को छपवा दिया, मैंने L1 और L2 का वैल्यू छपवा दिया, तो आपको देखने को मिलेगा जो L1 में गया था वो L2 में चला गया है। अब आपने अभी देखा पिछले वीडियोज में यदि सेम वैल्यू होती है, यहाँ मेमोरी किसके लिए लोकेट करता है PVM बेटा? जी हाँ, वैल्यू के लिए यहाँ जगह लोकेट होती है, वेरिएबल के लिए होती नहीं है, ऑब्जेक्ट के लिए होती नहीं है। तो जब वैल्यू सेम रहेंगे तो उसके लिए दूसरा एलोकेशन करने को उसको क्या जरूरत है, वो एक ही वैल्यू एक ही जगह बनेगी। बिल्कुल सही, इसका मतलब सर L2 के लिए और L1 के लिए दो आपको स्टैक में वेरिएबल के लिए जगह तो मिली है, लेकिन जो वैल्यू के लिए जगह मिली हुई मात्र एक वैल्यू है, यही इन्हीं दोनों इन्हीं को दो इनका जो एड्रेस होगा वो L1 के पास भी है L2 के पास है, इसलिए जो भी देख रहे हैं L2 से देखो तब भी यही दिखेगा, L1 से देखोगे तब भी यही दिखेगा। और यदि आप इसमें कोई चेंजेस कर देते हो भविष्य में, तो जो जब दोनों एक ही चीज़ को देख रहे हैं तो जो चेंजेस होगा वो दोनों के लिए होगा, एक लोग के होगा नहीं। अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सब के लिए सेलेक्ट हो रहा है ना, ऐसा नहीं शिवानी के लिए सेलेक्ट हो रहा होगा दूसरे के लिए नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्लेस पर दोनों काम हो रहा है। तो आगे देखिए, हमने प्रिंट करा लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक लाइन ये गैपिंग बार बार दे रहा हूँ प्रिंट से, दिस इज मेमोरी एड्रेस ऑफ L1 ऑब्जेक्ट, फिर मैंने क्या किया L2 ऑब्जेक्ट, मैंने कहा से किसी चीज़ को मानना अंधविश्वास है, जानना सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, जानिए नहीं चीज़ों को, सॉरी मानिए नहीं, आप क्या करिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अंशिका पांडे जी ने कहा सर बिल्कुल सही चीज़ है, जानना जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए क्लियरेंस को बताता है, और मानना जो होता है वो डिपेंडेंसी बताती है, दूसरे को ऊपर निर्भर होता है। बिल्कुल सही जवाब, आप तो हिंदी की बहुत बड़ी ज्ञाता हैं और क्या गजब की बातें बताती हैं, वेरी गुड, हिंदी बहुत अच्छा आपको आती है, थैंक यू फॉर। ठीक है, दिस ट्राइंग ऑफ द स्पीकिंग इन हिंदी इन कंटिन्यूअसली इन क्लासरूम IT हैंड्स इन प्रॉपरली व्हेन यू ज्वाइन फर्स्ट डे, आपने पहले दिन से लेकर आज तक जो हिंदी का वर्चस्व अपने क्लास में बना रखा है वो बहुत अच्छा रहा है, सभी स्टूडेंट्स की ओर से आपको एक सैल्यूट है, बहुत अच्छा आपने मदर टंग को बचाए रखा है, बार बार आप हिंदी को लेकर कई संवाद किए हैं अपनी क्लास में रह के। चलो भाई कंटिन्यू, थैंक यू, कोई बात नहीं, जो सही है उसको इस वीडियोज़ में बताना चाहिए, इससे क्या होता है कभी तो आपको किए गए काम की सराहना हो भाई, न लॉकडाउन लगता न मैं ऑनलाइन क्लास देता न आपको इस बात को ग्लोबली सबके बारे में पहुँचा पाता। चले कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। हाँ, अब क्या कर रहा है, L1 और L2 का टाइप बता रहा है, टाइप तो सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा। अब मैंने क्या किया जरा देखिए, L1 पर चेंज कर रहा हूँ, मैंने चेंज क्या करना है जरा देखिए, एडिट कर रहा हूँ L3 मतलब क्या होता है, जब भी किसी लिस्ट में एडिट करते हो तो क्या करते हो आप, लिस्ट का नाम और उसमें इंडेक्स नंबर और उस पर जो वैल्यू बदलना चाहते हो, मतलब जो हमारे पास वहाँ पे हमने क्या रखा था, वहाँ पे हमने रखा था चेंज मी था शायद, मुझे लगता है क्या रिमूव मी का स्थान मैंने क्या कर दिया, चेंज केवल यूड कर दिया, रिमूव मी हट गया वहाँ से, और जब वहाँ से हट गया तो बेटा चाहे L1 को प्रिंट करोगे चाहे L2 की लिस्ट प्रिंट करोगे दोनों में रिमूव मी नहीं दिखेगा जो आपको पहले दिखा था दोनों में, अब दोनों में चेंज दिखेगा, चूंकि जो परिवर्तन करोगे आप इस लिस्ट में होगी दोनों के, चूंकि जगह एक ही है, जब जगह दो ही है ही नहीं तो आप चेंजेस करोगे तो एक ही जगह होगी, दोनों की दिखेगा वही चीज़। एडिट द न्यू वैल्यू ऑफ द इंडेक्स 3 इन List 1, मैंने List 1 में जाके इंडेक्स नंबर 3 पे जो कंटेंट पहले से रिमूव में लिखा था उसके स्थान मैंने चेंज कर दिया है। अब जरा देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, आफ्टर एडिट ऑफ द वैल्यू List 1 एट इंडेक्स 3 नाउ शो, अब मैं उसको दिखाने चल रहा हूँ, देखिए L1 की वैल्यू शो कराऊंगा L2 को, और जैसे आप देखेंगे दोनों में तो आपको चेंज दोनों में दिखेगा, जबकि आपने चेंज किसमें किया था बेटा, L1 में केवल किया था, L2 में क्यों दिख रहा है, चूंकि दोनों एक ही से, इसी को सैलो कॉपी कहते हैं, ठीक है, सैलो कॉपी छा गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सचिन जी, सैलो कॉपी, ठीक है। L1 डॉट रिमूव चेंज, अब क्या होता है L1 डॉट रिमूव चेंज, ये L1 क्या है, L1 एक प्रकार एक का आपका ऑब्जेक्ट है List 1 का,
रिमूव क्या है, एक मेथड है जो क्या करता है, हटा देता है। और किसको हटाने के लिए आप कह रहे हैं, चेंज को। जो कभी आपने रिमूव मी के स्थान पे चेंज कर दिया था, आज आप फिर से उसको रिमूव कर रहे हो और रिमूव करके देख रहे हो। जब आप रिमूव करके बेटा देखोगे, ध्यान रखिए ये, तो रिमूव करने का क्या मतलब बेटा, रिमूव तो आपने चेंज करके देख ही लिया। अच्छा रिमूव कर देख लो क्या कह रहे हैं, हमको नहीं पता, जैसे डिजाइन किया गया वैसे आउटपुट देखना उसमें क्या। ये देखिए, रिमूव करने के बाद आफ्टर डिलीट द रिमूव मी एलिमेंट, रिमूव मी एलिमेंट नहीं बेटा, आपने जो डिलीट किया है वो अब चेंज वाले को किया, change, चेंज को डिलीट किया है ना, चेंज को डिलीट किया आपने, change, चेंज को किया आपने। क्यों? क्योंकि बेटा आपने, ये देखिए, आपने तो रिमूव मी को स्थान पहले ही चेंज कर रखा है, तो अब जो होगा वो चेंज पे चेंज होगा, चेंज को आपने रिमूव किया है, ठीक है। अब क्या हुआ आगे देखिए, वीडियो बड़ा है लेकिन बहुत ही सरल तरीके से और पूरी बात बताई गई बेटा। अब l1.append हमने क्या कर लिया, मैंने फिर से पहली बात रिमूव भी किया था, उसके स्थान पर मैंने चेंज एडिट किया, चेंज को फिर मैंने रिमूव कर दिया। मैं बार बार उसी वैल्यू को हटा रहा हूँ। अब l1.append, अपेंड में सर आपने कोई बताया नहीं कहाँ जाके ऐड होगा, लास्ट में ऐड होगा, लास्ट में ऐड पहले भी था, लास्ट में रिमूव मी अगेन, अब ये मुझे दिखेगा वहाँ पे। और जब आप दोनों ये आप ऐड करने के बाद जब देखोगे, आफ्टर ऐड न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एट लास्ट ऑफ द l1 एंड l2, दोनों में ऐड हो गया होगा लास्ट में, क्योंकि जब हमको तो अभी तक ज्ञान प्राप्त हो चुका है ना, दोनों सेम ही प्लेस होते हैं, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है। l1 और l2 दोनों पर ही क्या हो चुका है, ये रिमूव मी अगेन, ये वाला स्ट्रिंग मतलब एक एलिमेंट ऐड हो चुका है। अच्छा ये देखिए, यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। ऊपर तक मैंने बताया कैसे क्लोनिंग होता है, नीचे शायद किसी चीज की और व्याख्या की जा रही। देखिए, क्लोनिंग प्रोग्राम सॉल्व इवन अलाइजिंग द सेम वैल्यू ऑन अदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड डीप कॉपी। बेटा देखो, सैलो कॉपी कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया। सैलो कॉपी वो होता है जो किसी भी सीक्वेंस डाटा टाइप की वैल्यू से दूसरी वाली वैल्यू असाइन की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं, वो भी कॉपी ही है, और ऐसी कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं, सैलो कॉपी कहते हैं। सैलो कॉपी में यही अंतर है कि सैलो कॉपी में जो चेंजेस करोगे पहले में वही हो जाएगा दूसरे में, और जो करोगे दूसरे में वही हो जाएगा पहले में। तो सर क्या मैं दो सेम वैल्यू सीक्वेंस की वैल्यू रख ही नहीं सकता हूँ क्या पैथन में? नहीं बेटा, रख सकते हैं, अगर आपको रखना है तो यही तो मैं बताने चल रहा हूँ, उसी को कहते हैं डीप कॉपी। उसी प्रॉब्लम का सलूशन ही आपका डीप कॉपी है। कैसे क्लोन करेंगे, मतलब ये बताया गया, देखो क्लोनिंग प्रॉब्लम सॉल्व इवन अलाइजिंग द सेम वैल्यू, मैं वैल्यू सेम ही रखूँगा, कॉपी करूँगा किसी अदर ऑब्जेक्ट पर यूजिंग कॉपी मेथड इज कॉल्ड डीप। डीप का मतलब यहाँ पे डीप कॉपी से है, कॉपी वर्ड नहीं लिखा मैंने, डीप कॉपी, कॉल्ड डीप कॉपी। जी शिवानी जी कह रहे हैं, सभी लोग सुनिए, कन्फ्यूजन है सर, कहीं आप सैलो वाला डीप में और डीप वाला सैलो में तो नहीं बता दे रहे हैं? तो बेटा मैं कहूँगा अपनी कॉपी खोल लीजिएगा, दिस इज द माइनर मिस्टेक, जितना आपने सैलो का कंसेप्ट सुना उसको डीप में कन्वर्ट कर दीजिएगा, डीप का सैलो में कर दीजिएगा। वैसे मैं तो सही बता रहा हूँ, मे नॉट बी आई एम नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज द टोटली ट्रू, बट ए अलॉन्ग टाइम आई एम रिपीट दिस टाइप्स ऑफ लॉजिक, मैं बहुत दिन बाद इस बात को दोहरा रहा हूँ, तो मे बी आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज्ड, बट आप देख लीजिएगा। अभी तो आप वीडियो देखते समय यही सही मानिए, वहाँ जाके चेक करके अपना थोड़ा सा 19-20 चेंज कर लेना, कंसेप्ट तो वही रहेगा, डीप के स्थान पर सैलो, सैलो का डीप कर देना। वैसे सही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हाँ, अर्चिता जी ने कहा सही है, जानवी जी सही कह रही हैं, जया जी भी सही कह रही हैं, बहुत सारे बच्चे सही कह रहे हैं, एकाध दो बच्चों को कन्फ्यूज़न भी, तो मैं कहता हूँ अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है कोई बात नहीं। कंटिन्यू, डीप कॉपी क्या होता है, तो ये मैंने देखिए फॉर्मेटिंग कर रखा है बेटा। फॉर्मेटिंग तो आपने देखा था पिछले वाले में किया था, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ स्टार की, फिर मैं नाउ वी विल सॉल्व दिस क्लोनिंग प्रॉब्लम यूजिंग कॉपी मेथड इज कॉल्ड डीप कॉपी। क्लोनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से बना बनाया हमारे पैथन के लाइब्रेरी में कॉपी नाम का मेथड होता है, यदि मैं कॉपी मेथड से किसी को कॉपी करूँ तो इस प्रॉब्लम
को रिमूव किया जा सकता है। आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे किया जा रहा है। ये देखिए L1 में पहले से वैल्यू थी, L2 थी, सिंटैक्स है न्यू ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ओल्ड ऑब्जेक्ट नेम डॉट कॉपी मेथड। कर दीजिए, इससे क्या होगा, L1 की पूरी वैल्यू कॉपी होके L2 पे चला जाएगा, लेकिन मेमोरी नया बनाएगा, मेमोरी भी एलोकेट नया करेगा। आपको पता है अभी मैंने बताया था मेमोरी एलोकेट किसके लिए होता है, वैल्यू के लिए होता है। सर वैल्यू तो उसमें भी यही है, इसमें भी यही है, तो कौन करेगा? एक्चुअली में कॉपी मेथड क्या करता है, वैल्यू भले सेम रहे लेकिन फिर भी उनको अलग मेमोरी जगह एलोकेट कराने का निवेदन करता है PVM से, PVM करता भी है। ये देखिए फिर मैंने क्या किया भाई, L1 की वैल्यू प्रिंट करा लिया है, L2 की वैल्यू प्रिंट करा लिया है, L1 का भाई एड्रेस प्रिंट करा लिया हूँ, L2 करा लिया हूँ। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ L1 नहीं, अब यहाँ L2 करिए, L2 यहाँ पे क्या करिए, L2। अगर आप यहाँ समझ रहे हैं तो आउटपुट बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। मैंने L1 और L2 क्या कर लिया, एड्रेस चेंज कर लिया, एड्रेस यहाँ पर देखिएगा, एड्रेस वैल्यू सेम है लेकिन एड्रेस अलग अलग होगा। कैसे सेम है कैसे जानेंगे सालू जी, कैसे जानेंगे ये, आप जब इसको शो कराएंगी तो L1 और L2 दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें सेम वैल्यू दिखेगी, तब तो मानेंगे सेम है ना। और जब सेम है तो आपने सर ये बताया था कि मेमोरी जगह एलोकेट करता नहीं है, सेम वैल्यू के लिए एक ही जगह मिलती है। अब एक जगह मिलती तो दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए, अगर आपको ये एड्रेस अलग अलग मिल जाए तो समझ लेना कि इसके लिए कॉपी ने है तो सेम वैल्यू लेकिन जगह बनाया है अलग। ठीक है, वीडियोस बढ़ा रहा है, हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, सॉरी इसके लिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है भाई। अब देखो टाइप मैंने जाति भी चेंज करा रहे हैं, अब L1 की वैल्यू L1 के 3 वाले लोकेशन मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या मैं फिर चेंज कर रहा हूँ इसको? भैया आप चेंज करोगे तो अब चेंज का कोई मतलब नहीं है, चूँकि दोनों अलग अलग लोकेशन हो गए हैं। L1 में आप चेंज करोगे कोई चीज़, मतलब आपने क्या किया था, रिमूव अगेन मी, अब वहाँ पर स्थान पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन ये L1 में ही होगा। L2 को जब आप प्रेस, जब आप ये देखो L2 को जब आउटपुट देखना तो जो इसमें होगा इसमें नहीं होगा, क्योंकि कल एक जमाना था जब एक ही प्लेस को दोनों देख रहे थे, तो उसका और उसका दोनों दो जिसमें एक जहाँ थी, लेकिन आज क्या हो चुका है। हाँ जी सही कहा जी, मज़ा आ गया देवी जी, है ना। हाँ वहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों के एक ही कंटेंट थे, आज यहाँ दोनों अलग अलग हैं। आज ऐसा होता है ना, यहाँ पे तो जिस्म और दो जहाँ अलग अलग होते हैं, पहले दो जिस्म एक जहाँ हुआ करते थे। कोई बात नहीं, टॉपिक पे आ जाए कंटिन्यू, काफ़ी एंटरटेनमेंट किया क्यों राग जी आप। ठीक है, बात समझाने के लिए था बेटा, वो सही है। अच्छा आज मदर डे है, कांग्रेचुलेट सभी लोगों, लेकिन मेरा एक संदेश है देखिए इस वीडियो के माध्यम से बेटा, ये प्लीज़ ऐसा डे ना मनाएं, चूँकि ये पूरा डे नहीं है, ये लाइफ है। मदर इज़ अ नॉट अ स्पेशल डे, मदर इज़ अ स्पेशल लाइफ, योर फुली लाइफ, आपकी पूरी लाइफ माँ है, ना कि एक दिन का ये समारोह या एक दिन का ये फंक्शन या एक दिन का DP लगा के आप माँ को याद करते हैं, माँ को विशेष करते हैं, माँ से पास जाते हैं, माँ की सर्व करते हैं। दिस इज द बैड न्यूज, दिस इज द टोटली फॉरनर डिसिप्लिन, दिस इज अ नॉट डिसिप्लिन फॉर यू, आपके लिए डिसिप्लिन नहीं है। बिल्कुल सही, सपोर्ट किया इन्होंने, अंशिका जी ने सपोर्ट किया, बिल्कुल सही सर। बेटा ये जो डे है ना, चलो मना लो आप डे, ये डे वो डे वो डे, लेकिन डे जो लाइफ है उसको डे में थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, मेरी बात समझ पा रहे हो आप ना। माँ जो है वो लाइफ है, पूरा जीवन है, उसको लिए एक दिन के लिए होता ही नहीं है, पूरे लाइफ के लिए होता है, तो आप डे क्यों मना रहे हैं? ऐसे करते करते बेटा एक डे के लिए केवल बन जाएगा, दिस इज़ द बैड मैसेज फॉर यू। और आज मैंने बहुत बच्चों का DP चेक किया, मदर डे पर ढेर सारी बात रखाया है, तो मेरे पास आज कमेंट था ना, वो कमेंट जो मैंने आज स्टेटस पे डाला था, थोड़ा सा आज के आपके कोरोना के टाइम में आपका लिए संदेश था। बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी उनके पास होती है, वो दूसरों को बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनको बता दें कुछ नहीं होगा, सही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दूरी से ही आप बता सकते हैं, आप मिलकर भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बता सकते हैं, ठीक है, तो उनसे वो लाइफ उनकी बच सकती है। तो आज मैं नहीं बता पाया, याद रखना मदर डे इज़ अ नॉट स्पेशल डे, मदर डे इज अ होल लाइफ, और एवरी टाइम एवरी मोमेंट वी फील इट एंड सेलिब्रेट इट, इसको एक टाइम नहीं कर सकते हैं। मेरा यह संदेश है डिजिटल क्लास के माध्यम से सभी स्टूडेंट का, वी डू नॉट सेलिब्रेट इन फ्यूचर टाइम मदर डे, फादर डे एंड फ्रेंडशिप डे,
कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं बेटा जो उसको डे में नहीं लाइए, लाइफ में लाइए, नहीं ऐसे मनाते मनाते डे में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, आते हैं कंटिन्यू फिर से अपने हम टॉपिक पे। सॉरी स्टूडेंट्स, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था, दिस इज द मैनर, शिक्षा के साथ दीक्षा का होना बहुत जरूरी है। विदाउट मैनर्स नो एनी वर्क ऑफ द एनी एजुकेशन, किसी एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। एजुकेशन के साथ में शिक्षा और दीक्षा दोनों हमारे, जिस प्रकार से सोल और बॉडी है ना, वैसे एजुकेशन और मैनर है। दीक्षा और शिक्षा साथ रही तो जीवन का एक सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। शिक्षा ही बहुत रहे, दीक्षा ना रहे तो किसी काम की नहीं है। याद रखना सभी स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो मैनर्स क्लास। आज की क्लास में पीडी भी थोड़ी सी ऐड कर दिया मैंने। हाँ जी जी बिल्कुल कह रहे हैं खुशी जी, शिवानी जी, सालू जी, आई एम स्पेशल मेक अ वीडियोज फॉर पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बट नाउ दिस टाइम इज अ वेरी बिजियर डेज, वी कैन क्रिएट अ मोस्टली 1 to 10 वीडियोज ऑनलाइन क्लासेस फॉर ए लेवल, ओ लेवल और एम सी ए। सो नाउ दिस टाइम वी आर नॉट बिजी एंड आई एम नॉट क्रिएट एनी अदर वीडियोज फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बट आई प्रोमिस टू नेक्स्ट टाइम आई एम क्रिएट अ बेस्ट वीडियोज फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स एंड मैनर डिसिप्लिंस बी आल्सो। थैंक यू। चले भाई कंटिन्यू क्लास में करते हैं फिर से। ये देखिए आपने क्या किया, फिर से L1 dot remove me आपने क्या किया, L1 dot remove me आपने L1 में जाके रिमूव किया रिमूव मी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हो गया होगा, L2 में अब भी रहा होगा रिमूव मी। हालांकि हमें लगता है रिमूव मी अगेन होना चाहिए बेटा, कि रिमूव मी था L1 में ये देखिए L1 में आप चेंज कर देते हैं, L2 में चेंज कर दिए तो कैसे होगा देखते हैं बेटा, देखते हैं सालू जी एक मिनट कैसे होगा बेटा ये। ठीक है कोई बात नहीं, देख लेना इसको, और मैं तो बोलता हूँ कि अब चलिए आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, आप समझ गए हमारा कंसेप्ट क्या था, शैलो कॉपी और डीप कॉपी बताना। अच्छा एक चीज़ और लास्ट में देख लीजिए, आप स्लाइसिंग की मदद से भी जो काम आप कॉपी मेथड से करते हैं बेटा, वही काम स्लाइसिंग के मदद से कर सकते हैं। मतलब कॉपी तो करेंगे सेम वैल्यू की, लेकिन मेमोरी उसके लिए अलग अलग एलोकेट होगी। इट इज़ अ सिमिलर एज कॉपी मेथड, मतलब दिस इज क्रिएट अ डीप कॉपी कंसेप्ट। डीप कॉपी कंसेप्ट बनाने के लिए दो कंसेप्ट यहाँ है, एक तो कॉपी फंक्शंस कॉपी मेथड से करा सकते हो, या तो आप स्लाइस ऑपरेटर्स करा सकते हो। सैलो कॉपी मात्र एक तरीका है कि आप विदाउट कॉपी मेथड एंड स्लाइसिंग ऑपरेटर वी कॉपी द कंटेंट ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट, देन दिस इज अ सैलो कॉपी कंसेप्ट। आई एम सो सॉरी, आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बीच में अंग्रेजी का यूज करता नजर आ रहा हूँ, ऐसा कमेंट आ रहा है बेटा, सॉरी आज थोड़ा सा इंग्लिश जरूर ऐड हुई है। आपको आप सबको आती इंग्लिश मुझे पता है, बट हो सकता है किसी नए स्टूडेंट से कोई और वीडियोस देखे नए स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होगा, इसलिए बिल्कुल सही सजेशंस है कि हम बातों को बिल्कुल हिंदी में बोलें। और जब अंशिका जैसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रही हो तो क्यों अंशिका जी, ठीक है परमिशन ग्रांटेड। अंशिका ने कहा सर परमिशन है, देश की भाषा गुलाम नहीं बनिए, भाषा का गुलाम नहीं बनिए। क्या बढ़िया लाइन बताया इन्होंने, भाषा पे अधिकार बनाइए, भाषा के लिए गुलाम नहीं बनिए। सर कुछ भी कोई भी भाषा बोल सकते हैं, बस उसका गुलाम ना बनिए, केवल मदर टंग को छोड़कर, चूँकि गुलाम नहीं है आप, वो आपका हैबिचुअल है, आपका धर्म भी है कर्तव्य भी है। ये देखिए वही काम मैंने इससे कॉपी कर दिया, वही एलिमेंट सब कुछ शो किया हूँ। आइए इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ज़रा चलते हैं भाई एक बार। प्रोग्राम कहाँ शुरू है, यहाँ शुरू है, ये इस प्रोग्राम पे पहुँचता हूँ और मैंने रन करा दिया। और जब आप रन करा दिए तो इसका आउटपुट ज़रा देखें, ये रहा आपका आउटपुट। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था ना तो आउटपुट भी बड़ा आएगा। एक बार मैं इसे बताता चला जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए बेटा, ये देखिए यही सब मैं किया था फॉर्मेटिंग, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। चले ये देखिए आपको एक स्टार 100 स्टार छप रहे, किस लिए छपा था, जो मैंने वहाँ प्रिंट में स्टिक बना के 100 दिया था। ये तो सब सेलेक्ट हो गया तो आपको 1 by 1 कैसे दिखाएं, चलिए हम 1 by 1 ऐसे देखते हैं। ये रहा आपका, फिर आपको क्या दिखाई दिया देखिए, फर्स्टली वी सीन व्हाट इज क्लोनिंग कंसेप्ट इन सीक्वेंस डाटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड सैलो कॉपी। पहले सैलो कॉपी कंसेप्ट है, आप देख पा रहे हैं L1 के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 रिमूव मी, और L2 का भी देखो सेम 1 2 3 4 5
रिमूव मी, इससे पता चल गया दोनों कॉपी तो हो गए, एग्जैक्टली वही वैल्यू है। और जब आपने वही वैल्यू है तो सर मेमोरी लोकेट कैसे किया, एक जगह की दो जगह? आप देख सकते हैं दिस इज मेमोरी एड्रेस ऑफ एल वन ऑब्जेक्ट इज सेम है, एग्जैक्टली ये भी देखिए एल टू का भी सेम है। इससे कंफर्म हो गया सर सेम वैल्यू रहने से मेमोरी पर मतलब हीप पर जगह एलोकेट नहीं करता है पीबीएम, एक ही जगह में दोनों को बांट देता है, मतलब दोनों का एड्रेस सेम दे देता है। भाई क्लास तो दोनों सेम ही होगी एल वन और एल टू, देख रहे हैं आप। आफ्टर एडिट ऑफ द वैल्यू लिस्ट वन एट इंडेक्स थ्री नाउ सो, मैंने लिस्ट वन के इंडेक्स थ्री पर चेंज किया, ये देखिए क्या चेंज किया, रिमूव मी, और यहां पे क्या रिमूव मी आफ्टर डिलीट द चेंज एलिमेंट्स, ये देखिए रिमूव मी आ गया अब, ठीक है। पहले क्या था बेटा, पहले भी रिमूव था, फिर भी रिमूव है, कोई बात नहीं, ये देखिए रिमूव मी अगेन, रिमूव मी और रिमूव मी अगेन। एक्चुअली में कई बार हम लोगों ने रन कर दिया तो हाथ पाँच हो गया है, बाकी आपको जो मैंने वीडियोस में आपके प्रोग्रामिंग कोड में समझाया था एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है, आप इसको अपने से बना के रन कर लीजिएगा। हाँ जी, मोबाइल के ऐप्स पे दिया है ना, वहाँ पे रन कर सकते हो। नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये देखिए यही प्रॉब्लम मैं कॉपी मेथड से डीप कॉपी करने चल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। एल वन का वही कंसेप्ट, वही सेम टू सेम, एल टू का भी सेम टू सेम वही, लेकिन आप देखिए दोनों का एड्रेस, ध्यान से देखिए दोनों का एड्रेस क्या चेंज है बेटा। अगर वैल्यू सेम होती तो मेमोरी पे जगह सर एक ही मिलना चाहिए, दो कैसे मिल गया, कॉपी ने कराया इस काम को, कॉपी मेथड ने इस काम को पूरा कराया, अदरवाइज से नहीं हो पाता था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टू डीप कॉपी कंसेप्ट, यही तो है डीप कॉपी कंसेप्ट, मतलब कॉपी मेथड इज प्रोवाइड्स यू डीप कॉपी कंसेप्ट, और दोनों का क्लास तो सेम ही रहेगा। जी हाँ शिवानी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही समझ में आ गया। अब मैंने वही सबको रिमूव डिस शो कर रहा हूँ, आप लास्ट वाला ये देख लीजिए बस। अच्छा ये दिखाइए सर, चेंज करने के बाद उस पर कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा देख लीजिए बेटा, चेंज करने के बाद ध्यान से देखिएगा। ये मैंने L1 पे चेंज कर दिया था, चेंज L3 वाले इंडेक्स पे चेंज किया था, तो इस पर तो चेंज करके दिखा रहा है, लेकिन देखिए जब आप L2 पे आ रहे हैं तो चेंज नहीं, रिमूव और रिमूव में ही है, रिमूव मी और रिमूव मी अगेन ही है, ठीक है। इससे प्रूफ होता है कि भाई अगर आपने कॉपी मेथड से कॉपी किया है किसी सीक्वेंस डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप पे, तो उनके लिए दोनों को अलग जगह बनेगा, और सर आगे अलग अगर आपका मेमोरी लोकेट ही कर दिया गया है तो दोनों से किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं है, एवरी थिंग कैन बी चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस सोन, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों से दिखाई देगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। स्लाइसिंग ऑपरेटर के साथ भी वही हुआ, देख लीजिए वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है, देखो चेंज 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 सेम टू सेम है, और लेकिन एड्रेस देखिए दोनों को अलग अलग है, अलग अलग है सर, तो कुछ भी चेंजेस करो अलग अलग होगा, कोई डाउट? थैंक यू सो मच, आज की क्लास में बहुत अच्छा डाउटेबल क्लास की रही, एक बड़ा वीडियो ज़रूर बना, संडे की क्लास है लेकिन आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा, मैं इस बात की आशा करता हूँ, और आप इस बात का बिलीव भी करना सीखे कि हाँ जी आज से मैं डीप कॉपी सैलो कॉपी नहीं भूलूंगा, कोई डाउट? तो इम्यूटेबल म्यूटेबल चेंजेबल नॉट चेंजेबल डीप कॉपी और सैलो कॉपी, ये तमाम कंसेप्ट आज की डाउटेबल क्लास में क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच, और सभी स्टूडेंट्स को आज मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, और आज स्पेशल डे के लिए नहीं, एवरी लाइफ एवरी मोमेंट This sentence and wishes to everyone. Thank you all of you. Thank you so much.